तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल देखो तो आज के गेम प्ले में भी दो वही गेम प्ले रहने वाला, एक तो चिकन डिनर होने वाला है और एक रहने वाला हाई प्लस के ऊपर। भाई कैसे हाई प्लस निकालना है इसलिए हर एक वीडियो में बोलूँगा भाई एंड तक देखना, क्योंकि हाई प्लस के पीछे भाई वीडियो एंड तक नहीं देखोगे ना तो भाई बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप से सर्वाइव करना है। सब कुछ मैं डिटेल्स में तो बताऊँगा पर वीडियो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि भाई हाँ कैसे कैसे प्लस मिल रहा है। अभी देखो मैं डायमंड शायद 4 या 3 पे पहुंच चुका हूँ और शायद एक दिन में मैं क्राउन भी पहुंच जाऊंगा, जिससे आपको भाई अच्छा खासा गेम प्ले भी मतलब लॉबी भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई अभी डायमंड पे भी बहुत ही ज़्यादा बेकार लॉबी आ रहा है, क्योंकि भाई जिस लेवल का प्लस वगैरह मिल रहा है ना भाई लॉबी अच्छा मतलब तगड़ा नहीं है ना तो भाई प्लस नहीं मिलता, ये बात याद रखना। तो अभी सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सीन देखो, मैं यहाँ पे इवेंट पे उतरता हूँ और उतरते ही मेरे को एक नियत्ता बंदा मिल जाता है तो जिसको फिनिश कर देते हैं बहुत ही इजीली। उसके बाद अपना यहाँ पे सर्वाइव करके यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो एक बंदा मेरे पे मॉली कर देता है, जिस मॉली से मैं थोड़ा बहुत तो डैमेज हो जाता हूँ और अपना हीलिंग वगैरह कंप्लीट करता हूँ। तभी देखता हूँ यहाँ पे नेट वगैरह कर देता है, डांसिंग नेट, तो मैं खुद से इसके अंदर जाके थोड़ा डांस कर रहा था और तभी बंदा तुरंत मेरे पे घुस भी जाता है। तो अब यहाँ पे फाइट देखो कैसे मैं फाइट निकाल पाता हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीन देखो, अभी यहाँ पे भाई ने बहुत ही अच्छा खेला बोलूँगा, क्योंकि भाई ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के मेरे को फिनिश कर दिया। मेरा एम थोड़ा सा चौक हो गया था जिसकी वजह से मैं फिनिश हो जाता हूँ। उसके बाद आराम से यहाँ पे रिकॉल होते और रिकॉल होने के बाद जोन के बाहर सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अभी देखो डायमंड है पर फिर भी मैं हमेशा बोला हूँ कि आप लोगों को सर्वाइव करना है ना तो भाई कोशिश करना है जितना हो सके उतना ज़्यादा सेफ खेल के एंड जोन में जाके फाइट निकालना है। यहाँ पर मैं अपना सब कुछ लूट वगैरह मतलब कम्प्लीट करके बैग वगैरह फुल करके ना मैं जोन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ और इस टाइप से आपको खेलना है। मैं जोन के बाहर वाला सीन नहीं दिखाया क्योंकि बीच में एक बॉट मिल गया था जो मैंने फाइट दिखा दिया था, और भाई बॉट वगैरह मिल जाए तो आराम से फिनिश करो पर फाइट थोड़ा इग्नोर करो। लो टायर पे हो हाई टायर पे हो कुछ भी करो भाई थोड़ा फाइट इग्नोर करोगे ना भाई मैं बोलूँगा भाई प्लस भाई बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो सर्वाइव के पीछे बहुत ज़्यादा प्लस मिलता है। इस मैच में आपको देखना है एंड जोन में जाके कितना मेरे को किल मिलता है और कितना मेरे को भाई प्लस मिलता है, और एंड वाला जो गेम प्ले रहने वाला ना उसमें देखना किल्स कितना रहेगा और भाई प्लस कितना रहेगा, भाई मज़ा आ जाएगा देख के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं इवेंट पे मतलब जो इवेंट बोलो जोन के बाहर सर्वाइव करके ना मैं इस साइड में आता हूँ और यहाँ पे रहता है एक बंदा तो इसके साथ फाइट होने वाला है काफ़ी देर तक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नेट मतलब नेट कुक करता हूँ और फिर भी मतलब डाल देता हूँ सामने वाले बंदे पे, पर यहाँ पे नेट थोड़ा अटक जाता है जिसकी वजह से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं अपना हीलिंग थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ और सामने वाले बंदे पे देखने जाता हूँ। तो यहाँ पे देखना बंदे को काफ़ी देर तक यहाँ पे ढूंढना पड़ा क्योंकि बंदा यहाँ पे पीछे साइड भाग गया था तो मेरे को बंदा दिखा ही नहीं, समझ लो ना काफ़ी देर तक यहाँ पे मैंने ढूंढा बंदे को पर बंदा यहाँ पे मिला ही नहीं। उसके बाद सामने दूर में एक मेरे को बॉट स्पॉट हो जाता है तो उसको फिनिश करते हैं और तभी यहाँ पे बंदा भी मेरे को स्पॉट हो जाएगा। तो सीन देखो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे सामने वाला जो बंदा था ना जो मेरे पे मतलब पहले डैमेज वगैरह दे रहा था मतलब जो नेट वगैरह कर रहा था डांसिंग नेट उसको तो फिनिश कर देते नेट से, और तभी तुरंत पीछे साइड भी एक बग्गी का साउंड आता है जिसको प्यारा सा एक स्प्रे देके और भाई फिनिश कर देते और ग्लेशियर चमकाने में आई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्या ही बोलूँ। उसको देखो भाई का पेटी वगैरह लूट के मैं गाड़ी लेके यहाँ पे ये वाला क्रेडिट लूटने आता हूँ और तभी मेरे को सामने से फुटप्रिंट का साउंड आता है। तो यहाँ पे सीन देखो अभी देख रहे हो गाइस मतलब डायमंड लॉबी पे इतना गंदा लेवल का कैंपर आ रहा है क्या ही बोलूँ, मतलब भाई के पास ग्रोजा था और ग्रोजा लेके एकदम गंदा लेवल का कैम करके बैठा था। अच्छी बात ये थी कि मेरे पास डीवीएस था, नहीं तो मेरा पेटी यहाँ पे एकदम 101% बनी जाता क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद देखो बस पाँच ही बंदे मतलब चार बंदे अलग हुए तो काफ़ी ज़्यादा बंदे ढूंढ रहा था मैं गाड़ी वगैरह घूम के, क्योंकि लो टायर में यही सीन होता है बंदे काफ़ी कम मतलब अलग रहते हैं तो जोन भी बहुत बड़ा रहता है तो मतलब बंदे को ढूंढना पड़ता है। और तभी ये वाला बंदा स्पॉट हो जाता है तो इसको आराम से यहाँ पे फिनिश करके एकदम सीधा मैं जो है क्या बोलते हैं इसका अपार्टमेंट के साइड निकलता हूँ क्योंकि इस साइड में जोन था। और तभी देखने यहाँ पे एक बंदा रहता है,
फिलहाल जो बंदा रहता है ना वो छत पर रहता है, तो इसको कैसे फिनिश करूँगा, बस वो सीन देखना। बहुत देर बाद ना मैं डीवीएस वगैरह यूज़ कर रहा था, और कैसा वगैरह मतलब आप लोगों को भाई क्या लगता है मेरे को डीवीएस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भाई 90% से 80% से 90% गोली कनेक्ट नहीं होता, समझ रहे हो ना। फिर भी मैं जैसे जैसे भाई ये वाला गेम प्ले में लोट आया था तो मैं थोड़ा रिक्स लेके खेल रहा था। मैं इस 12 के ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे थोड़ा सा देखा होगा तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भाई यहाँ पे मैं खुद से भाई डांसिंग नेट के अंदर जा रहा था, डांस कर रहा था। मेरे को पता था बंदा ओपन में आके नेट वगैरह ट्राई करेगा, और ऐसा ही सीन होता है भाई को इजी यहाँ पे डीवीएस का शॉट चिपक मतलब चिपका के ना भाई को फिनिश कर देते, उसके बाद उधर से निकल जाते, क्योंकि अभी दो ही बंदे अलाइव थे जिसका लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैं गाड़ी घुमाता हूँ। गाड़ी घुमाने के बाद ना यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, तो इसके साथ कैसे फाइट निकालता हूँ, बस सीन देखो अभी। यहाँ पे सामने वाले भाई के ना भाई के ऊपर तो दो तीन नेट ट्राई करता हूँ पर कोई फायदा नहीं होता, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा फ्लैंक करके इस साइड में जाके बंदे को फिनिश करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे नेट वगैरह मेरे पे आ रहा था पर मेरा नेट परफेक्ट नहीं जा रहा था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मेरे को, इसलिए मैं ये वाले पत्थर पर आता हूँ। तो यहाँ पे देखना मेरे को जो बंदा है ना वो स्पॉट हो जाएगा अभी। तो फिलहाल इस भाई को भी बहुत ही इजीली फिनिश कर देता है, टोटल यहाँ पे देखते हो 9 किल हो गया था। उसके बाद सामने लास्ट जो बंदा था ना उसको काफ़ी देर तक ढूंढता हूँ, पर उसके बाद क्या सीन होता है भाई, बंदा जोन से ही फिनिश हो जाता है, पता नहीं बंदा कहाँ पे था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद ईजी यहाँ पे भाई चिकन डिनर मिल जाता है, और 9 किल के साथ भाई डायमंड शायद 4 था, पता नहीं क्या टायर था, आप लोग देख लेना, और कितना प्लस मिला है वो भी आप लोग चेकआउट कर लेना। और इस भाई का अभी शायद 3% रैंक चल रहा है, तो बहुत ही जल्दी इस भाई का भी कॉन्करर लगने वाला है, बस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी डायमंड से स्टार्ट किया ना। और एक चीज़ की आप लोग रैंक और टायर क्या चल रहा है एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि मैं भाई पहले पूछना भूल गया था, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का कॉन्कर हो गया और कुछ भी दिक्कत आ रहा है ना, तो कमेंट करो। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हाई प्लस के ऊपर भाई वीडियो बनाओ, तो हाई प्लस निकालने के लिए भाई सबसे पहले किल्स प्लस सबसे सर्वाइव अभी जरूरी है, क्योंकि देखो किल्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं हमेशा टारगेट देता हूँ ना 5-6 किल आराम से निकालो, 5-6 किल निकाल लो और भाई बिल्कुल सर्वाइव करो, चिकन के लिए फोकस करो, नहीं तो भाई टॉप 2 तो निकाल ही लो, सबसे पहले टॉप 2 या टॉप 5 निकाल लो, आराम से आपको प्लस मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सीन देखो, इवेंट पे मैं थोड़ा सा किल निकालने की ट्राई करूँगा, ऐसा नहीं भाई घुस घुस के खेलना है, इवेंट पे भी आप होल्ड करके खेलो तो लूट भी बचा सकते हो और एंड तक सर्वाइव भी कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे इवेंट पे एक बंदा रहता है, तो जिसको आराम से फिनिश करके मैं अपना लूट कर ही रहा था, और तभी ऊपर भी और एक बंदा आ जाता है, तो इसके साथ क्या फाइट होता है बस सीन देखो अभी यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पे भाई को भी एक डीवीएस का शॉट चिपकाते हैं और सीधा घुस के भाई ईएमपी से बंदे को फिनिश कर देते, पर दूसरी साइड से यहाँ पे सामने वाला जगह कंपाउंड है ना उधर साइड से मॉली वगैरह मेरे पे आ रहा था, तुरंत बंदा भी यहाँ पे आ जाता है। तो आप फाइट देखो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे सीन देखो कि मेरा अपना हीलिंग वगैरह थोड़ा सा कंप्लीट करके ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, और सामने मतलब बंदा जो था ना भाई नीचे तो नहीं आ रहा था, तो मेरे को भी घुसना था, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा इधर से फ्लैंक करके जाते हैं आप। तब यहाँ पे सीन देखो, और फिलहाल इस भाई को भी बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं, पर भाई ने भी अच्छा खासा डैमेज दिया था। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो भाई हमेशा मैं एक ही घर पे होल्ड करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा भाई हमेशा मतलब बाहर जाके ओपन में जाके फाइट वगैरह मत लो, जिससे आपको ही रिक्स होगा। उसके बाद देखो बैक टू बैक यहाँ पे ही बंदा आ रहा था, तो यहाँ पे भी मैं फिर से वेट कर रहा था, तभी देखना बंदा भी यहाँ पे घुसता है।
तो इस भाई को फिनिश करने के बाद ना मैं या फिर इवेंट पे फिनिश हो जाता हूँ, तो वो वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया, नहीं तो भाई काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाता, ऊपर से मेरे को भाई अपलोड भी करना है, समझ रहे हो ना, मोबाइल का डाटा है थोड़ा सा समझो। तो यहाँ पे फिलहाल भाई को यहाँ पे मतलब जो है ना इवेंट से फिनिश हो जाते, उसके बाद यहाँ पे यश यहाँ पे कूद जाते, यहाँ पे अच्छा खासा जोन भी था, मतलब जोन का सेंटर था, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को प्लस वगैरह मिल जाएगा, मतलब बैक टू बैक जोन भी यहाँ पे बन जाएगा। तो काफ़ी देर तक वेट करता हूँ जोन देखता तो कितना ज़्यादा छोटा हो गया था, और 12 बंदे अलाइव था, जितना भी फाइट वगैरह हो रहा था ना मैं सारे फाइट इग्नोर कर रहा था, एक बॉट भी मिल जाता है तो उसको भी फिनिश करके अच्छा खासा 5 किल हो गया था मेरे को। भाई पता था लॉबी अच्छा खासा लगा है, तो भाई अच्छा खासा होल्ड करूंगा तो अच्छा खासा प्लस भी मिलेगा। और तभी यहाँ पे हाइड्रा भाई का एंट्री होता है, तो भाई को भाई फिनिश तो कर दिया, पर जिस लेवल का मेरा डिवाइस लैग हो रहा था ना, क्योंकि दोपहर में खेल रहा था और दोपहर में पता है कितना गर्मी पड़ रहा है, फ़ोन इतना हीट होता है ना भाई क्या ही बताओ। और बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे भाई आप कौन सा कूलिंग फ़ैन यूज़ करते हो, देखो मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, एक बार जरूर चेकआउट करना, जिससे आपको भी भाई ईजिली खरीद सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में यूज़ करता हूँ, क्योंकि पता है भाई यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमाई हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो भाई यहाँ पे खरीदने का औकात मेरा इतना है नहीं, मतलब महंगा वाला जो कूलिंग फैन वगैरह आता है मैं नॉर्मल से यूज़ करता हूँ, कौन सा यूज़ करता हूँ एक बार जरूर लिंक से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखो काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करता हूँ, और होल्ड करने के बाद बैक टू बैक यहाँ पे बंदे आ ही जा रहा था, मेरे कंपाउंड के नीचे भी एक बंदा आ गया था, तो उसके साथ फाइट होगा, तो मेरे पास DVS था भाई, DVS से भाई फाइट करने में मज़ा आ रहा था वाले गेम प्ले में। तो देखो यहाँ पे कैसे भाई को फिनिश करता हूँ। तो फिलहाल ईगो भाई के अंदर शायद बहुत ज़्यादा ईगो आ गया था, मेरे पास DVS था फिर भी भाई बैक टू बैक मेरे पे रश कर रहे थे, और भाई को यहाँ पे DVS का ईजी यहाँ पे चमका देते भाई का पेटी। उसके बाद देखो मेरे को यहाँ पे निकलना था जोन के अंदर, जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा आ गया था, और ऊपर से इतना लैग हो रहा था डिवाइस क्या ही बताऊँ, मतलब फ्रेम ड्रॉप अच्छा खासा हो रहा था भाई, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है पता ही है भाई लो एंड डिवाइस में, और ऊपर से हीटिंग प्रॉब्लम, और भाई गर्मी जिस लेवल का पड़ रहा है ना भाई क्या ही बताऊँ। फिर भी मेरे को भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ खेलना पड़ रहा है, और ऊपर से आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, समझ रहे हो ना, थोड़ा प्यार से यार लाइक कर दिया करो जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। उसके बाद देखो यहाँ पे जोन के बाहर तो आ जाता हूँ, यहाँ पे मतलब एंट्री तो ले लेता हूँ, पर मेरा गलती यहाँ पे क्या सीन रहता है कि मैं थोड़ा हड़बड़ी कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा होल्ड करना चाहिए था, पर यहाँ पे देखना क्या गलती करता हूँ मैं। तो फिलहाल यहाँ पे सामने वाले बंदे पे ने मतलब मैं नेड करने जा रहा था, तभी दूर साइड से भाई कोई और से मेरे को अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है, और यहाँ पे जोन भी एंट्री ले रहा, मतलब जोन भी छोटा हो गया था, मैं जोन के अंदर था पर मैं मतलब भूल गया था, तभी मैं यहाँ पे घुस जाता हूँ, और मेरा DVS का सीन देखना क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे भाई इतना मतलब फ्रेम ड्रॉप हो रहा था ना, एम तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, और DVS का पता ये एम एक बार चौक हो गया ना भाई बहुत मुश्किल है कनेक्ट करना। फिर भी देख सकते हो यहाँ पे भाई #7 पे मैंने 40 का प्लस निकाला, क्यों ऐसा निकला, क्योंकि देखो आप लोग बोलते हो ना हाई प्लस नहीं मिलता, हाई प्लस मिलेगा भाई, थोड़ा सा किल्स निकालो, थोड़ा सर्वाइव करो, लॉबी जब अच्छा लगता है ना भाई गलती से भी फाइट मत करो, समझ रहे हो ना, जितना हो सके उतना होल्ड करो, जितना हो सके उतना। यहाँ पे मैं भाई #5 वगैरह निकाल लेता ना तो 45 या 50 के आसपास प्लस मिल जाता, क्योंकि लॉबी काफ़ी खतरनाक लॉबी था। और भाई एक वीडियो आएगा कि कौन से टाइमिंग में आपको खेलना है जिससे आपको अच्छा खासा प्लस मिले, वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो यही तक था, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।